अज की इस कहानी विच एक लड़का जिसने कि डांसर लड़की दी सारी कहानी दसी। लड़का की आखदा है आओ तुहानू दस दियां। मैं जलंधर अपने दोस्त दी मैरिज ते गया सी। शाम नू भंगड़ा पाउण लई डीजे लगाए जा रहे सन। सारे मुंडे खुशी विच भंगड़ा पा रहे सी ते नारे गल्लां करदे सी कि कल नू पैलेस विच भंगड़ा पावांगे क्योंकि डांसरां बड़ियां अत ने, देखे किन्ना मजा आऊगा। कोई कहे आपां तां स्टेज ते दो कु पैग लगा के डांसरां दी बांह फड़ के नचना है। अते कोई कुछ कह रहा सी अते कोई कुछ सोची बैठा सी। जिवें तिवें रात गुजर गए ते सवेरे बरात दा टाइम फिर उही गल्लां चल पईआं। अते नौजवान सारे आपस विच इक दूसरे नाल सलाहां बना रहे सन। उहने विच बरात पिंडों पैलेस जा पुजी ते रस्मां रिवाजां दे हिसाब नाल लाड़ा लाड़ी नूं फेरिआं लई गुरु घर भेज दित्ता। पर जिन्हां नौजवानां ने स्टेज ते खप करनी सी ओह जाके बिल्कुल स्टेज दे सामने टेबलां ते बैठ गए। इन्हे नूं टेबलां ते दारू सोडा ते चिकन भी लग गया। उधर डीजे ते प्रोग्राम भी शुरू हो गया सी। उन्हां विचों कुछ नौजवानां ने पैग शग लगाया अते जाके स्टेज ते चढ़ गए। थोड़ी कि देर बाद दो डांसरां स्टेज ते बुलाईआं गईआं ते उन्हां नाल नचना शुरू कर दिता। बाद विच उन्हां नौजवानां ने डांसरां उपरों पैसे भी सुट्टे अते एक नौजवान एक डांसर की बांह फड़ के इहो जिहियां घटियां हरकतां कर रहा सी कि मैं उन्हां नूं वेख ना सकिया अते मैनूं शर्म आउण लग गई। एक डांसर रोंदी हुई स्टेज तों अपनी ड्रैसिंग रूम वल चली गई ते वेख के मैं भी उसके पिछे चला गया। पर मैनूं बड़ा दुख होया। पर जदों मैं उसके पिछे गया तां देखिया उसका एक छोटा जिहा बच्चा जो तकरीबन 2 साल का मसा होएगा अते ओह डांसर रोंदी हुई अपने बच्चे नूं दुध पिला रही सी। अजे उस कोल होर भी 2-3 डांसरां खड़ियां सन जो कि उस नूं चुप करा रहियां सन। मैं जद उस नूं पुछिया कि इन्ना छोटा बच्चा तुसी नाल लैके क्यों आए हो, ओह लड़की मेरी इन्नी गल सुणदे ही मैनूं आखण लगी कि वीर जी मैं लव मैरिज करवाई सी ते मैनूं पता नहीं सी कि लड़का स्मैक वगैरा पींदा वा। मैनूं ते विआह दे 6-7 महीनियां ते बाद विच पता लगा कि मुंडा नशा करदा आ ते मैं अपने घरदिआं दे विरुद्ध जाके उस लड़के नाल मैरिज करवाई सी तां करके मेरे घर दे भी हुण मैनूं सपोर्ट नहीं करदे। अते लड़की रो रो के कहण लगी कि वीरे उहने तां मेरा सारा समान भी वेच दित्ता क्योंकि उसनूं नशिआं लई पैसे दी जरूरत सी अते उसने सब कुछ मेरा नशिआं विच उड़ा दित्ता। मैनूं मजबूरी विच आ कम करना पै रिहा है। अते रोंदे हुए विचारी कहन लगी कि वीरे की दसा, लोकी तां स्टेज ते कई वारी इदां दीआं हरकतां करदे ने कि मरन नूं दिल करदा। अते कई नौजवान तां इह आखदे ने कि तूं नाइट दे 10 किन्ने पैसे लैणे आ। अते रोंदे हुए कहन लगी कि वीरे मैं तां कदों दी मर जाणा सी पर इस मासूम दा की बणूं, इह सोच के मेरा मन मैनूं समझाउणा पैंदा आ। इह सब सुण के मेरीआं अखां भर गईआं पर जिन्ना हो सकिया मैं अपने वलों उस लड़की की मदद की। मैं उस लड़की नूं 500 रुपया दिता पर जदों मैं उस लड़की नूं पैसे दे रहा सी तां लड़की ने पैसे लैण तों मना कर दिता। पर फिर मैं उस नूं कहा कि भैणे रख ला, मैं शगन नहीं देना विआह वाली जोड़ी नूं जो तुहाडा दिल दुखा के खुशियां लभ रहे ने। हुण मेरे वर्गे कई मेरे वीर कमेंट करनगे कि कुड़ी दी आपदी गलती सी, कुड़ी ना लव मैरिज करवाउंदी ता ऐसी नौबत ना आउणी सी अते ना ही लड़की ने दर दर दीआं ठोकरां खाणीआं सी। चलो जे मन्निआ वी जावे कि लड़की ने गलती कीती है पर कई लड़कियां होर वी ने जो इहो जिहे हालातां विच फसीआं ने जिन्हां नूं कि उहनां दे घर दे ने खुद अपने हत्थीं व्याह के तोरिआ है, जिन्हां दी कोई गलती भी नहीं है पर फिर भी उह लड़कियां बेमौत मर रहीआं ने। अज दे समय विच ज़्यादातर लड़कियां दहेज दी बलि चढ़ रहीआं ने जिन्हां नूं कि सहुरे परिवार वल्लों ही साड़ दित्ता जांदा है जां फिर पक्खिआं नाल लटका दित्ता जांदा है। फिर इह लोक उहनां लोकां नूं क्यों नहीं माड़ा आखदे जो लड़कियां नूं इस तरह बेमौत मार दिंदे ने, क्योंकि उत्थे तां उहनां दे माता पिता ही उहनां नूं विआह करके सहुरे घर तोरदे ने। जरूरी नहीं हुंदा कि जेकर कोई लड़की लव मैरिज करवाउंदी है तां ही उसदे नाल अजिहा हुंदा है। असीं तां सिर्फ तुहानूं इस कहानी राहीं इह दसणा चाहुंदे हां कि लड़की कोई भी है, कहो जिहा भी कम करदी है,
उसकी मजबूरी होंगी है। यह साढ़े लोगों को समझना चाहिए है। बिना सोचे अते बिना समझे किसी नू माड़ा ना बोलो, क्योंकि सानू जेकर किसी नू चंगा कहने का हक नहीं है तो असी किसी नू माड़ा भी नहीं कह सकते। यह भी हक सानू किसी ने नहीं दिता। सो लोड़ है हर एक इंसान नू, हर एक लड़की की, हर एक की धी भैन अते माँ की इज्जत करन दी। अज की यह कहानी तुहानू किदां दी लगी साढ़े कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दसना। समस्या कोई भी होवे जड़ तो खत्म, मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकता, कट्टन वाले नू मूह मंगया इनाम। जिवें मन चाया प्यार, पति पत्नी च अणबण, काले जादू दा खात्मा, वशीकरण, लाटरी नंबर पाओ, प्यार विच धोखा खादे हुए प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन नू वस विच करवाउण लई संपर्क करो। पंडित ए के शास्त्री, तुसी संपर्क कर सकते हो 9906590490। मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़िया तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी, मैं दस भी नहीं सकता। पर जब तो मैनू ही रिलीफ मिले है, 2-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस तरह इस्तेमाल करो। सिर्फ 2-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फीर लीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फीर लीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भूलो। कितना कि असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है। पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।